नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कांग्रेस में हलचल तेज, सोनिया के प्रतिनिधियों ने हुड्डा को टटोला, कुलदीप बिश्नोई बड़े कदम की तैयारी में। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव का मामला अब काफी पेचीदा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद अपने पास रखने के साथ प्रदेशाध्यक्ष पद पर भी अपने किसी समर्थक को बैठाना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष और संगठन के नए फार्मूले के बारे में सोनिया गांधी के प्रतिनिधियों ने हुड्डा का मन टटोला। दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई खुद को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने की हालत में बड़ा सियासी कदम उठाने की तैयारी में है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि राज्य की जनता के बीच उनके नेतृत्व का संदेश देने के लिए उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद दिया जाए। विधायक दल के नेता पद पर हाईकमान विधायकों के बीच वोटिंग करा लें, वोटिंग में विधायक जिसे अपना नेता माने उसे नेता बना दिया जाए। हुड्डा के इस तर्क के पीछे की कहानी हाईकमान के प्रतिनिधि जानते हैं। असल में हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायकों में से खुद हुड्डा सहित 25 विधायक एक साथ हैं। बकाया 6 विधायकों में से 4 विधायक मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ और बाकी 2 अपने मन के मालिक हैं। इसलिए हुड्डा ने हाईकमान के सामने यह पासा फेंका है। को हाईकमान से मिल रहे महत्व के मद्देनजर विधायक कुलदीप बिश्नोई भी शनिवार सुबह दिल्ली में सक्रिय रहे। कुलदीप बिश्नोई ने अपने कुछ समर्थकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को यदि पार्टी में महत्व नहीं मिला तो वह कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं। बिजली संकट पर सुरजेवाला ने बोला हमला, निजी कंपनियों से सरकार के साठगांठ, लोग झेल रहे हैं परेशानी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गठबंधन की सरकार को बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार और निजी कंपनियों की साठगांठ लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ खजाने पर आर्थिक मार भी पड़ रही है। उन्होंने चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश ऑफिस में पत्रकार वार्ता बुलाकर आरोप लगाया कि सरकार और प्राइवेट बिजली उत्पादकों की मिलीभगत के कारण भयंकर बिजली संकट पैदा हो रहा है। साठगांठ से भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती हरियाणवी झेल रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने सुनी फरियाद, 2 सब इंस्पेक्टर लाइन हाजिर तो वहीं एक का तबादला करने के आदेश जारी किए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के PWB रेस्ट हाउस में आयोजित जनता दरबार में हरियाणा के कोने कोने से आए लगभग 3000 से ज्यादा प्रार्थियों की शिकायतों को अपने चिर परिचित तलख अंदाज में सुना और अधिकारियों को तीव्रता से इनका समाधान कराने के निर्देश जारी किए। वहीं अनिल विज ने अलग अलग मामलों की जांच में ढिलाई बरतने वाले 2 सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर करने तथा 1 सब इंस्पेक्टर का तबादला करने के आदेश जारी किए। जनता दरबार के बीच ही अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव गृह मंत्री के आदेशों की पालना करते हुए इन कर्मचारियों के तबादले ऑर्डर की कॉपी मंत्री अनिल विज को मोबाइल पर भेजी। जनता दरबार में गृह मंत्री ने अलग अलग मामलों में SIT गठित कर जांच के आदेश दिए, जबकि कई मामलों में अलग अलग जिलों के अधिकारियों को फोन पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। जनता दरबार के दौरान फरियादियों की शाम तक लंबी लंबी कतारें लगी रही। हरियाणा के रवि दहिया ने रचा इतिहास, जीता गोल्ड मेडल। भारतीय ओलंपिक विजेता पहलवान रवि दहिया ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। उन्होंने मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में खेले जा रहे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमा लिया है। रवि ने यह स्वर्ण पदक 57 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया है। उन्होंने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया था। रवि इससे पहले 2020 में दिल्ली में और साल 2021 में अल्माती में हुए इसी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत कर लाए थे। इस तरह रवि ने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। नियम 134 से हरियाणा सरकार ने बनाई नई योजना, स्कूलों से मांगी सहमति, 30 अप्रैल तक देना होगा सीटों का ब्यौरा। नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए एक ओर तो अभिभावक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं निजी स्कूल पहले ही दाखिलों के लिए इनकार कर चुके हैं। अब इस मामले में हरियाणा सरकार ने एक नई योजना बनाई है। नई योजना के नियम के तहत 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय के परिवार वाले बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा। हालांकि इन दाखिलों के लिए निजी स्कूलों से सहमति ली जाएगी। सरकार निजी स्कूलों से सहमति लेकर ही दाखिले करवाएगी। इतना ही नहीं, नियम 134 के दाखिला पाने वाले बच्चों की फीस सरकार ही देगी और जितनी फीस निजी स्कूल अन्य बच्चों से ले रहा है उतनी फीस दी जाएगी। जो निजी स्कूल इस नियम के तहत पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने के इच्छुक हैं उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए विभाग की ओर से एक पोर्टल तैयार किया गया है। निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा ने निजी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए 30 अप्रैल 2022 तक का समय दिया है। निजी स्कूलों को इस अवधि तक पंजीकरण कराने के साथ ही निर्धारित सीटों का ब्यौरा भी देना होगा। अब सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप। नौ के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार अब सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों को भी उनकी उपलब्धि के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से संसाधनों की कमी आड़े आने न दी जाए। सरकार के निर्णय के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 84,000 रुपए सालाना, वहीं रजत पदक विजेता को 72,000 रुपए सालाना और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 60,000 रुपए सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को 60,000
₹40,000 सालाना, रजत पदक खिलाड़ी को ₹48,000, कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को ₹36,000 सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक खिलाड़ी को ₹42,000 सालाना, रजत पदक खिलाड़ी को ₹36,000 और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को ₹30,000 सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। वहीं महिला खिलाड़ियों को इसके अतिरिक्त ₹1,000 मासिक तौर पर भी अलग से दिए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कॉलरशिप की राशि के अलावा किसी प्रतियोगिता में पदक जीतने पर सरकार के नियमों के अनुसार इनाम की राशि भी खिलाड़ी को मिलेगी। हरियाणा में चरखी दादरी में नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई राज्यों में होते थे सप्लाई। बीती रात दिल्ली पुलिस ने इमलोटा गांव में नकली सिक्के बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गांव के बीच में एक प्लाट से सिक्के बनाने की मशीन व 4 प्रवासी लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नकली सिक्के बनाने का गिरोह के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। ज्ञात रहे कि दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को नकली सिक्के बनाने के आरोप में काबू किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया था कि चरखी दादरी जिले के गांव इमलोटा में भी नकली सिक्के बनाए जाते हैं। पुलिस ने गांव के बीच एक प्लाट बने कमरे में छापेमारी कर नकली सिक्के बनाने की मशीन व 4 प्रवासी लोगों को काबू किया। वहां से कुछ नकली सिक्के भी बरामद किए हैं। नकली सिक्कों को देश भर के अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था। गैंग के मास्टरमाइंड पूरा कारोबार दिल्ली में बैठकर हैंडल करते हैं। गिरोह के सदस्य गांव में मशीन लगाते हैं ताकि किसी को शक न हो। सिक्के तैयार करने के बाद रातों रात उनको देश के कई हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता है। पुलिस टीम ने फैक्ट्री से सिक्कों के 12 पैकेट बरामद किए हैं। सिक्के तैयार करने के बाद उन्हें सप्लाई करने के लिए पैकेट में डाला हुआ था। एक पैकेट का वजन करीब 22 किलोग्राम है और बरामद सिक्कों का वजन की बात की जाए तो 2 क्विंटल 84 किलोग्राम है। बड़ी खुशखबरी, जाटूसाना में कॉलेज के भवन निर्माण का रास्ता साफ, पट्टे पर मिली 64 कनाल पंचायती जमीन। करीब 4 साल से अटका पड़ा जाटूसाना कॉलेज बिल्डिंग के निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। प्रशासन ने गांव की 64 कनाल जमीन का पट्टा कॉलेज के नाम करा दिया है, जिससे सीएम मनोहर लाल की घोषणा जल्द सिरे चढ़ने की उम्मीद बन गई है। इस कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए कोचली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और जिला पार्षद अमित यादव के प्रयास काफी सराहनीय माने जा रहे हैं। बता दें कि भवन निर्माण के लिए करीब 14.5 करोड़ रुपए का बजट पहले ही मंजूर कर दिया गया है। अब निर्माण कार्य शुरू लोक निर्माण विभाग के हाथ में है। कॉलेज निर्माण की घोषणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साल 2018 में की थी। कॉलेज को यह जमीन 33 साल के लिए ₹1 वार्षिक के हिसाब से पट्टे पर मिली है। हरियाणा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब फैमिली आईडी में आय सहित अन्य करेक्शन के लिए घर बैठे डाल सकते हैं रिक्वेस्ट। परिवार पहचान पत्र से संबंधित सुधार या फिर शिकायत के लिए लोग अब घर बैठकर अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए एडीसी ऑफिस के क्रिड विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से लोग किए गए आवेदन की स्टेटस की स्थिति भी जान पाएंगे। बता दें कि फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त MDCRIO अजय चोपड़ा ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से लोग परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि, शिक्षा, दिव्यांग, आय सत्यापन और वैवाहिक स्थिति आदि सुधार के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फतेहाबाद के लिए यह पोर्टल फतेहाबाद क्रेडिट विभाग की टीम ने तैयार किया है, जिसमें नागरिक अपनी फैमिली आईडी में सुधार के लिए आवेदन व सुधार की स्थिति भी जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त PPP यानी परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उसकी जानकारी भी पोर्टल पर दर्शाई गई है। गुरु तेग बहादुर जयंती 2022 अपडेट, हरियाणा के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी पूरी। पानीपत में 24 अप्रैल यानी आज गुरु तेग बहादुर जी का 400 प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय धार्मिक आयोजन को यादगार बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सेक्टर 13 से 17 के बीच दशहरा ग्राउंड में धार्मिक आयोजन होना है। आयोजन में करीब 4 लाख लोगों के आने के अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य पंडाल 84,480 वर्ग फीट में बनाया गया है। टेंट की ऊंचाई को करीब 20 फीट ऊंचा रखा गया है। 2000 पंखे, 200 पानी वाले पंखे, 80 बड़े कूलर व एयर कंडीशनर स्टेज का इंतजाम किया गया है। मुख्य स्टेज जहां गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होगा, उस जगह को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाया गया है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष अतिथि होंगे। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ होंगे। CBSE ने इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस बदले, स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे इस्लामी साम्राज्य का उदय, फैज की नजमें भी हटाई गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 11वीं और 12वीं क्लास के इतिहास और राजनीति विज्ञान के सिलेबस में से कई चैप्टर हटा दिए हैं। इनमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वार टाइम, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य का उदय, मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति के इतिहास शामिल थे। इसी तरह 10वीं के सिलेबस में फूड सेफ्टी के एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का असर विषय भी हटा दिया गया है। धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति सांप्रदायिकता, निरपेक्ष राज्य कॉलम में फैज अहमद फैज की उर्दू में 2 कविताओं के अनुवादित अंशों को भी बाहर कर दिया गया है। CBSE ने कोर्स में से लोकतंत्र और विविधता पर चैप्टर भी हटा दिया है। हटाए गए चैप्टर और टॉपिक्स के पीछे तर्क देते हुए अधिकारियों ने बताया कि बदलाव सिलेबस के युक्तिकरण का हिस्सा है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की सिफारिशों के अनुसार ही है।
आशियाना बनाने से लेकर पढ़ना सब कुछ महंगा हो गया है। आशियाना बनाने से लेकर शिक्षा, शादी ब्याह, शिक्षा, आवागमन, पर्यटन का खर्च बढ़ता जा रहा है। महंगाई के बोझ से आशियाना बनाने में पिछले वर्ष की तुलना में 25 से 30% अधिक खर्च करना पड़ता है। जमीन के भाव देखे तो मकान बनाना अब आम आदमी की पहुँच से दूर है। पानीपत में सेक्टर 25 पार्ट 2 में 4 मरले का प्लाट जो 60 लाख तक मिलता था अब वह 80 लाख तक पहुँच गया है। अन्य सेक्टरों की बात करें तो कोई सेक्टर 40,000 के भाव से कम नहीं है। भवन निर्माण में सबसे अधिक महंगा सरिया हुआ है। जो सरिया 2 साल पहले वर्ष 2020 में 45 रुपए किलो बिक रहा था वह वर्ष 2021 में 60 रुपए और वर्तमान यानी 2022 में 75 से 79 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। सीमेंट के भाव की बात करें तो 2020 में 300 रुपए कट्टा, 2021 में 350 रुपए और साल 2022 यानी अभी वर्तमान में सीमेंट के औसतन भाव 425 रुपए कट्टा चल रहा है। ईंट के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 सालों में ईंटों के भाव 4800 से 7200 रुपए प्रति हजार पहुंच गए हैं। मकान बनाना 2 साल की तुलना में 25% से अधिक महंगा हो चुका है। शिक्षा का खर्च भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में कापी की कीमत 50% तेज हो चुकी है। 20 रुपए वाली कापी का भाव 30 रुपए चल रहा है। निजी स्कूलों की फीस तो बढ़ी ही है, साथ ही स्टेशनरी, किताब कॉपी के भाव पर भी महंगाई का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हरियाणा में पशुओं के लिए चारे की कमी की समस्या अब गहराती जा रही है। हिसार जिले में सूखा चारा यानी तूड़ी की किल्लत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर गौशाला संचालकों को राहत प्रदान की है। जिलाधीश डॉक्टर प्रियंका सोनी ने पत्र में कहा है कि हिसार की सीमा के अंदर तूड़ी फैक्ट्री में प्रयोग होती है और इसे बाहर भी भेजा जाता है। इससे गोवंश में सूखे चारे की कमी होती है, इसलिए तूड़ी को फैक्ट्री में प्रयोग करने व हिसार से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इस संबंध में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं गेहूं, सरसों व फसली अवशेषों को जलाने को लेकर जिलाधीश प्रियंका सोनी ने अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में गेहूं की फसल बेहद कम होने के चलते पशुओं के चारे के लिए तूड़ी का संकट पैदा हो गया है। प्रति एकड़ तूड़ी के दाम दोगुने से भी ज्यादा पहुँच गए हैं। जहाँ पिछले साल करीब 7,000 रुपए प्रति एकड़ तूड़ा मिल जाता था, वहीं इस साल 16,000 रुपए प्रति एकड़ तक पहुँच चुका है। एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जैसलमेर में 8 लाख किताब, कीमत 16 करोड़, 5,000 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि केवल एक चीज आपको पता होनी चाहिए और वो है लाइब्रेरी का एड्रेस। हम आपको दिखाते और बताते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी का पता है जैसलमेर पोखरण के बीच बने भदिया राय माता मंदिर। लाइब्रेरी में 8 लाख से ज्यादा किताबें हैं जिसकी कीमत की बात करें तो 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यहां दुनिया के सभी ग्रंथ से लेकर नोवेल, पांडुलिपि और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के भाषण को सहेज कर रखा गया है। 41 साल पहले एक संत हरवंश सिंह निर्मल उर्फ भादरिया महाराज ने इसकी स्थापना की थी। यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि इसमें एक बार में 5,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जगदम्बा सेवा समिति इसकी देखरेख करती है। इस समिति में करीब 150 लोग हैं। किताबें खराब न हो इसके लिए हर 5 से 6 महीने में विशेष तरह से लेप पाउडर से इन्हें साफ किया जाता है। इस दौरान अलमारियों की भी सफाई की जाती है। इस लाइब्रेरी में 7 धर्मों का पूरा साहित्य मौजूद है। हजारों साल पांडुलिपि के साथ लौ से संबंधित लगभग सभी किताबें हैं जो आज तक पब्लिश हो चुकी हैं। इसके साथ ही वेदों की संपूर्ण श्रृंखलाएं, भारत का संविधान, जर्मन लेखक एफ मैक्स मूलर की रचनाएं, पुराण, इंसाइक्लोपीडिया की किताबें, आयुर्वेद, इतिहास, स्मृतियां, उपनिषद, देश के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण, विशेष शोध की किताबें सहित लाखों किताबों को यहां संभाल कर रखा गया है। मौसम समाचार। अगले 4 दिनों में मौसम में दिखेगा बड़ा बदलाव। महाराष्ट्र में गिरेंगे ओले, बारिश से तर होगा पूर्वोत्तर भारत। गुजरात, राजस्थान में हीट वेव करेगी परेशान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान अगले 4 दिन लू की चपेट में आने वाले हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने शनिवार को 27 अप्रैल तक मौसम का हाल जारी कर दिया है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर में जहां बारिश होगी वहीं गुजरात में लू का प्रकोप जारी रहेगा। इसके उलट विदर्भ और पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के हालात बन रहे हैं। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। अगले 4 दिनों के दौरान गुजरात में लू चलने की संभावना है। IMD के मुताबिक दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में भी 25 से 27 अप्रैल तक लू चलने की संभावना जताई गई है। वहीं राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, विदर्भ में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी यानी लू चलेगी। अगले 4 दिन में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में गरज के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाएं जो कि 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की प्रबल संभावना जताई गई है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसे ही हालात बनने जा रहे हैं। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में गरज के साथ छिटपुट बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CW हिंदी न्यूज़। नमस्कार।